अस्सलाम वालेकुम, आज मैं चिकन के खीमे का कबाब बना रही हूँ। खीमा है चिकन का, जिसको मैंने हल्दी डाल के बॉईल करी हूँ। अब मैं इसका पूरा पानी ऐसा निचोड़ के निकाल दूंगी, पानी बिल्कुल रहना नहीं चाहिए इसमें। ये मैंने ऐसा निकाल के पानी पूरा खीमा एक बर्तन में डाल दी हूँ। ये मैंने एक बड़ा कांदा और एक मुट्ठी कोतमीर बारीक काट दी हूँ, जो मैं इसमें भी डाल दूंगी। ये मिर्ची की बुक्की है तीखा लाल, ये मैं 3 चम्मच डालूंगी। ये जीरा पाउडर है, जो मैं 1 चम्मच डालूंगी। गरम मसाला मैं बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी, आधा चम्मच से भी कम। ये धनिया है, जो मेरा घर का पिसा हुआ है, भून के उसको पीसी हूँ मैंने, ये 1 चम्मच डालूंगी। 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन डालूंगी, बस ज्यादा नहीं डालूंगी, नहीं तो फिर कच्चे लहसुन की बास आती है अदरक लहसुन की, इसलिए 1 चम्मच ही भर के टेबल स्पून डालूंगी ये वाला। अभी इसके बाद ये 3 पाव है, अभी मैं इसको एक एक पाव को ऐसा डुबाऊंगी पानी में। अभी मैं इसका ये ऊपर का कड़क वाला पार्ट है वो निकाल दूंगी और इसको अच्छा पानी निकाल के इसमें डाल दूंगी। ऐसा मैं 3 पाव के साथ करूंगी। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, इसको अच्छे से सब चीजों को सब मिक्स करना है। अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। और याद रखना, ये खीमा हाथ का है, मशीन का नहीं है। ये थोड़ा खीमा मोटा मोटा रहेगा तो अच्छा कबाब बनेगा। और अभी मैं इसको देख रही हूँ, देखो ये अभी कबाब टूट नहीं रहे, ऐसे होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हाथ का कुटा हुआ खीमा चाहिए। अभी ये मेरा बैटर तैयार हो गया है, अभी मैं इसको बाद में फ्राई करूंगी। अभी मैं दूसरा काम करूंगी, लास्ट में इसको आधा 1 घंटे के बाद में फ्राई करूंगी। अभी खीमे को 1 घंटा हो गया, इसमें नमक थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी इसमें, क्योंकि मैंने टेस्ट करी तो नमक थोड़ा कम है। तो इसको मैं वापस से पूरा मिक्स करूंगी। ये अभी इसमें नमक मिक्स हो गया। ये रवा है, जिसको मैंने साफ करके रखी हूँ, कभी कभी रवे में भी पत्थर या कचरा आता है, इसलिए मैंने इसको साफ करके रखी। अभी मैं ये हो गया मिक्स, अभी मैं इसके और इसमें रखते जाऊंगे। बिस्मिल्लाह, डेढ़ मिनट हो गया अभी इसको, अभी मैं इसको धीरे से पलटी करूंगी। अब ये दूसरे बाजू पकेगा, दूसरे तरफ से भी कबाब हो गए। अभी मैं इसको निकालूंगी। कबाब मेरे तैयार हो गए। अभी ये मैंने गैस स्लो की और अभी तेल में निकाल दूंगी। ये तेल इसलिए निकालूंगी कि इसके अंदर जो ये आया है ना रवा, ये दूसरा अगर कबाब डालूंगी तो ये रवा और जल जाएगा, इसलिए इसको निकाल लेना है। ये मैंने निकाल, अब निकालने के बाद में मैं थोड़ा टिश्यू पेपर से तवे को साफ कर दूंगी।
ये कबाब है, ये दाल है और ये फ्रेंच बीन की सब्जी है। मामा सब्जी डालूं? थोड़ा डाल दे, ज्यादा दाल डाल। टाइम टू टेस्ट। दीज आर माय फेवरेट कबाब। मम्मी इसको पहले मटन में भी बनाती थी बट सना जो है वो मटन नहीं खाती, सो नाउ वी मेक इट इन चिकन बट इट्स सो यम। ये कबाब ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और अच्छे है। ये देखिए अभी मैं इसको खा रही हूँ। यम्मीज। अभी हम लोग अपना खाना एंजॉय करेंगे और आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और कमेंट्स में लिखना कि आपकी कबाब कैसे बने हैं। एंड ऑफ कोर्स यू नो व्हाट टू डू, इफ यू लाइक दिस वीडियो यू हैव टू लाइक शेयर एंड नाना सब्सक्राइब करो। बाय।